वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल का चैप्टर 7 का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, व्यापारिक केंद्र क्या है, ग्रामीण विपणन केंद्र किसको बोलते हैं, नगरीय बाजार क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बाजार से आप क्या समझते हैं, फुटकर व्यापार क्या है, विभागीय भंडार क्या होता है, श्रृंखला भंडार, थोक व्यापार, परिवहन, ये सारा चीज क्या होता है, जालतंत्र और इसका पहुंच क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। उसके साथ साथ परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, संचार क्या होता है, ये सारा चीज जो पढ़ाया गया आपको पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया गया है। इसलिए आपको पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपका चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो का आपका जो कंटेंट है वो यहां से स्टार्ट होता है, पार्ट 2 वीडियो का थ्योरी आपका यहां से स्टार्ट होता है, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन से, ठीक है। तो दूर संचार किसको बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर तक, एक नहीं थोड़ा सा दूरी यानी हर से ज्यादा। देखिए आप एक क्या होता है, संचार होता है, संचार का मतलब क्या होता है, शब्द या फिर एक तरह से विचार या फिर अपने सोच को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना, प्रेषण करना संचार कहलाता है। लेकिन वही संचार दूर जगह भेजा जाए, एक देश से दूसरे देश अगर भेजा जाए तो वो हो जाएगा आपका दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो दूर तक संदेश हो गया, विचार हो गया, शब्द हो गया, इसी को प्रेषण करना यानी सेंड करना ही क्या कहलाता है, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है, यानी विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास हुआ है तभी दूर संचार अपना अस्तित्व में आया है। अभी देखिए दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन जो है यह फाइबर पर टिका है, समुद्र के रास्ते जो है एक देश से दूसरे देश से फाइबर का विकास, फाइबर बैठाया गया है, वो फाइबर के माध्यम से ही यह संचार संचालित होती है, ठीक है। यानी समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जो है, एक देश से दूसरे देश के बीच फाइबर लगा हुआ, फाइबर बिछा हुआ समुद्र तल में, ठीक है, और वही फाइबर के माध्यम से संचार संचालित होती है तभी दूर संचार अपना अस्तित्व में आया है, ठीक है। यानी विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास से यह जुड़ा हुआ है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इन संचार ने क्रांति ला दी, यानी इसने संचार में पूरा क्रांति ला दी, पूरा एक तरह से बदल के रख दिया उनका स्वरूप को, किसका स्वरूप को, संचार का स्वरूप को, ठीक है। एक देश से दूसरे देश संचार को भेजने की जो प्रक्रिया है वो दूर संचार है, यानी संचार के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं ये तो आपको पार्ट 1 वीडियो में पूरा तरह से पढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए जन संचार माध्यम, जन का मतलब क्या होता है, लोग, जन संख्या, तो जन मतलब लोग और संख्या का मतलब संख्या यानी लोगों की संख्या, इसी तरह से जन संचार मतलब जन संचार यानी लोगों का संचार, यानी लोगों को संचार यानी एक तरह से उनके एक तरह से संचार यानी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो भी उसका संसाधन है उसी को क्या बोलेंगे, जन संचार बोलेंगे, ठीक। जैसे कि रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, चित्रों और दूरभाष हो गया, ये सब क्या है, जन संचार है, क्योंकि इसी के माध्यम से उनको क्या मिलती है, सूचना मिलती है, उसी के माध्यम से उनको एक तरह से से मिलते हैं, आइडिया मिलते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का जनसंचार है, यही को क्या बोलेंगे, जनसंचार माध्यम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप में लगे लोग, अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूरा तरह से आपको तो पढ़ाया गया है, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, विनिमय के अंतर्गत उत्पादन, विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार, तीन चीज आता है, ठीक है। अब देखिए तृतीय क्रियाकलाप में अधिकतर लोग सेवाकर्मी होते हैं, यानी तृतीय क्रियाकलाप में लोग जो होता है वो सेवाकर्मी होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर इसमें बड़ा होता है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो अधिकतर लोग क्या होते हैं, सेवा में लगे होते हैं, सर्विस मैन होते हैं, ठीक है। अधिकतर विकसित देशों में ज्यादातर लोग जो होता है सेवा में लगे हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से कम, 10% से भी कम लोग जो होता है तृतीय क्रियाकलाप में यानी सेवा में लगे हुए रहते हैं। अगर कोई देश विकसित है तो वो देश क्या होते हैं कि उन लोगों, उन देशों में तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा में ज्यादा लोग कार्य करते हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। अगर जो देश विकसित नहीं है या फिर अल्प विकसित है तो उन देशों में 10% से भी कम लोग जो है तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए रहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यूएसए की अगर बात की जाए तो 75% लोग जो है सेवा में लगे हैं, यानी 75% लोग वहां की जनसंख्या सर्विस में कार्य करते हैं, ठीक है, और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। इसलिए तो अमेरिका डेवलप है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है डेवलप किया है, विकसित कंट्री है, ठीक है। जैसे कि भारत क्या है, विकासशील कंट्री है, जापान क्या है, विकसित कंट्री है, अमेरिका क्या है, विकसित कंट्री है, उसके बाद बांग्लादेश क्या है, विकासशील कंट्री है, नाइजीरिया क्या है, विकासशील कंट्री है, अफ्रीका का बहुत सारे देश क्या है, अविकसित कंट्री है, ठीक है। ये सारा चीज आपको बताया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर यानी सेवा सेक्टर यानी तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप को ही क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर बोलते हैं। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सेवा सेक्टर किसको बोलते हैं, तृतीय क्रियाकलाप को बोलते हैं। तो सेक्टर यानी सेवा सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ठीक है, यानी प्रवृत्ति बोले या फिर प्रकृति बोले, ठीक है, तो प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीय क्रियाकलाप में अपरिवर्तित घट रही है, ठीक है, अपरिवर्तित है या घट रही है। देखिए आपको पढ़ाया गया था, आप याद कीजिए,
कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि एक तरह से खनन का कार्य आता है। खनन का कार्य किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी खनन क्या होता है कि कोयला को निकालना, लोहा को निकालना, एल्यूमिनियम को निकालना, यानी भूपर पट्टी यानी जमीन के तल से, तो एक प्रकार का क्या है? खनन कार्य। और वह खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं कौन? विकसित देश जैसे कि अमेरिका, क्योंकि खनन कार्य में कौन कहाँ दब के मर जाए, क्योंकि खतरा होता है उसमें, ठीक है। जैसे कि अगर खदान में कोई मजदूर लोग कार्य करते तो उनको हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कौन सा चट्टान कहाँ से खिसके और आदमी दब के मर जाए, यानी मजदूर दब के मर जाए, ये सारा चीज़ का खतरा होता है। तो विकसित जो देश है ये सारे कार्य से यानी खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है कि क्रियाकलाप घट रही है, पीछे हटने के कारण प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाकलाप घट रही है। अब देखिए, आपको बताया गया था, आप पढ़े हैं कि तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा सेक्टर के अंतर्गत दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, दिल्ली मुंबई कोलकाता, ठीक है। इसी तरह से आपको तीन चार जो महानगर है इंडिया के, वो चार महानगर के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा अगर लोगों को रोजगार दी जाती है तो वह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत दी जाती है। यानी सेवा सेक्टर जो है यहाँ महानगर में, भारत के चारों महानगर के अंतर्गत क्या करता है? लोगों को ज्यादा मतलब रोजगार प्रोवाइड करता है, लोगों को ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी पर्यटन के बारे में, यानी टूरिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पर्यटन के यात्रा की, पर्यटन क्या है? एक प्रकार का यात्रा है जो व्यापार के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन क्या होता है? यानी पर्यटन का मतलब होता है वो यात्रा, यानी व्यापार के मकसद से नहीं, अगर मनोरंजन के मकसद से अगर कहीं घूमने गए तो वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? पर्यटन हो जाएगा। पर्यटक जो पर्यटन करता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं, ठीक है। कुछ पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व यानी जीडीपी का 40%, ठीक है, यानी कुछ पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व का अगर देखा जाए तो जीडीपी का 40% की दृष्टि से यह दुनिया का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है, ठीक है। यानी पर्यटन यानी जो आपका टूरिज्म है ये दुनिया का सबसे बड़ा अकेला, यानी दुनिया का सबसे बड़ा अकेला क्या हो गया है? एक तरह से तृतीय क्रियाकलाप यानी आपका बन गया है, यानी सेवा सेक्टर के अंतर्गत तो नहीं आएगा, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये मनोरंजन के उद्देश्य से ये किए जाते हैं, यानी पर्यटन जो होते हैं, जो पर्यटक होते हैं एक जगह से दूसरे जगह अगर घूमने जाते हैं तो वह मनोरंजन के लिए घूमने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्यटन अवसंरचना उद्योग फुटकर व्यापार और शिल्प उद्योगों को पोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटक क्या है? पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर उष्ण स्थान और भारत के पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, ठीक है। अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए, पर्यटक जो प्राय घूमने के लिए आते हैं तो वो कहाँ आते हैं? भूमध्य सागरीय तट के किनारे आएंगे, उष्ण स्थान पर आएंगे, भारत का पश्चिमी तट पर है, वो सब क्षेत्र में घूमने के लिए आएंगे। तो ये सब क्या है? लोकप्रिय पर्यटक स्थान है, क्योंकि लोकप्रिय पर्यटक स्थान कहने का मतलब ये कि यहाँ का जो एक तरह से नेचर है यानी ब्यूटी जो है, यहाँ की प्रकृति जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए लोगों को अच्छा लगता है, यानी मनोरंजन करने के लिए ये जगह उसको अच्छा लगता है उन लोगों को, इसलिए वहाँ घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक जो है उनको भी कोई कारक प्रभावित करता होगा जिसके कारण पर्यटन जो है कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो मांग यानी जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिकतर लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं, यानी पर्यटन में घूमने के लिए जाते हैं। अगर लोगों को अगर अपना जिंदगी से अगर फुर्सत मिलेगा, अगर जिंदगी से उनको अगर टाइम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर काम करके उब गए हैं तो वह क्या करेंगे? विश्राम करने के लिए या फिर घूमने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए कहां चले जाते हैं? अवकाश पर चले जाते हैं, यानी पर्यटन पर चले जाते हैं, ठीक है। परिवहन यानी क्या है? परिवहन सुविधा में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्र का आरंभ हुआ है। अब देखिए, अगर कोई अमेरिका में है, उनको अगर घूमने का मन करेगा भारत में, ठीक है, तो अगर परिवहन नहीं होगा, मतलब अगर वायु सेवा अगर नहीं होगा तो वह कैसे आएगा? तो इसलिए परिवहन का होना बहुत जरूरी है, तभी पर्यटन संभव होगा। जहां का परिवहन व्यवस्था अगर अच्छा है, जहां का परिवहन व्यवस्था अगर ज्यादा मतलब चीफ नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, यानी एक तरह से जहाँ का परिवहन व्यवस्था अगर ज़्यादा अगर महंगा है, ज़्यादा अगर भाड़ा लगता है या फिर ज़्यादा हायर देना पड़ता है, तो वहाँ क्या होगा कि पर्यटन एक तरह से प्रभावित होगा, ज़्यादा लोग पर्यटन नहीं करेंगे, मतलब पर्यटक के रूप में नहीं घूमने के लिए जाएंगे, मनोरंजन के लिए नहीं घूमने जाएंगे। इसलिए परिवहन का विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर परिवहन अगर विकसित हो रहा है, अगर परिवहन में सुधार आ रही है, तो पर्यटन क्षेत्रों का भी वहाँ क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जलवायु, ठंडी के मौसम में जलवायु भी एक तरह से इफेक्ट करता है। आप जाइएगा ठंडी का मौसम में कश्मीर घूमने के लिए, नहीं जाइएगा, क्यों? क्योंकि वहां ऊपर से अभी ठंडी पड़ रही है, ऑलरेडी खूब वहां ठंडी चल रही है, पहले से गर्मी के दिनों में भी खूब ठंडी चल रही है, और भी ठंडी का मौसम में वहां क्या करने के लिए जाएगा? हाँ, गर्मी होगा तभी आप घूमने के लिए जाइएगा, क्योंकि आपको गर्मी का मौसम में अगर आपके क्षेत्र में आपके एरिया में अगर गर्मी है तभी वहां ठंडी का मजा लेने के लिए आप जाइएगा, मनोरंजन के उद्देश्य से जाइएगा, ठीक है। तो जलवायु जो होता है काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है जो पर्यटन को प्रभावित करता है, यानी ठंडे प्रदेशों में अधिकतर लोग पूलिन विश्राम करने के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, और वो क्षेत्र में
पर्यटन करने के लिए चल जाते हैं, घूमने के लिए चल जाते हैं। अब देखिए भू दृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। अब देखिए किसी देश की इतिहास अगर बहुत अच्छी है, जैसे कि ताजमहल के बारे में अगर बात की जाए, भारत की, तो ताजमहल बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग पर्यटन आते हैं घूमने के लिए, तो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, कला को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की संस्कृति मतलब यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, कौन सा चीज़ मानते हैं, क्या चीज़ नहीं मानते, कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ का बोली चाली भाषा क्या है, ये सब संस्कृति है, ठीक है। तो संस्कृति को देखने के लिए लोग आते हैं, अगर आपकी संस्कृति अच्छी होगी तो लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, अगर नहीं संस्कृति अच्छी होगी तो नहीं आएंगे घूमने के लिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखता है, आपके पास पर्यटन स्थल है, आपके पास प्राकृतिक नेचर वाला क्षेत्र है, लेकिन आपका अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो आप वो क्षेत्र को विकसित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था सही रहेगा तभी आप परिवहन का विकास कर पाएंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था सही रहेगा तभी आप तरह तरह के रोड बना पाएंगे, तरह तरह के वायु परिवहन का एक तरह से विकास कर पाएंगे, तभी पर्यटन यहाँ आ पाएगा विदेश से घूमने के लिए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था भी मायने रखता है, तो ये सारा चीज जो है आपके पर्यटन को प्रभावित करता है। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो जाएगा, मांग हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, जलवायु और भूदृश्य हो जाएगा, ठीक है। टोटल चार पॉइंट बताया गया, आप और भी जोड़ सकते हैं, आपके माइंड में अगर और भी कुछ आए तो उसको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन घर में, पर्यटन घर में गोवा में हेरिटेज यानी क्या है, हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग है, ठीक है। यानी पर्यटन घर की अगर बात की जाए, पर्यटन घर गोवा में जो है हेरिटेज है, हेरिटेज होम्स है और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग है, ठीक है। ये हेरिटेज का आप नाम सुनेंगे तो हेरिटेज होम जो है वो क्या है, पर्यटन घर है, और पर्यटन लोग जो आते हैं विदेश से जो घूमने के लिए आते हैं वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब देखिए चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध करा दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य रूप में चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं, ठीक है। यानी चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से उनको जोड़ दिया जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए और लोगों का चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चिकित्सा पर्यटन हो जाएगा। 2005 में अगर देखा जाए तो यूएसए से उपचार के लिए लगभग 55,000 रोगी भारत आए। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है, ठीक है। बहुत सारे जो देश होते हैं वो क्या करते हैं कि चिकित्सा के सेवा का इतना विकास नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री जाएंगे, अफ्रीकन कंट्री ऐसे हैं कि वहाँ सेटिंग से विकास नहीं हो पाया है, यानी फिर बहुत सारे कंट्री देखेंगे, बांग्लादेश ही देखेंगे, तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वह भारत आते हैं क्या करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है। पर्यटन के रूप में यानी घूमने के लिए आते हैं और अपना इलाज करके वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए 2005 में अगर देखा जाए, यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ लोगों को सुविधा नहीं मिला जिसके कारण 55,000 रोगी जो है भारत अपना इलाज करने के लिए आए, इलाज कराने के लिए आए, यानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध, यानी चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए वो कहाँ है, भारत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्विट्जरलैंड, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुदान यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है उसी को प्रयोग करते हुए बिंबों के निर्वाचन तथा पराश्रव्य परीक्षणों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे वहाँ भी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है, अगर मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, तरह तरह के ब्रेन स्कैन हो गया, ये सब क्या है, मतलब आपका एक तरह से टेक्नोलॉजी का देन है ना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं, तरह तरह के बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ये सारे क्रियाकलाप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब लास्ट टाइम आपको पढ़ना है चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है। तो चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित है, उत्पादन और प्रकीर्णन तथा अथवा सूचना का उत्पादन भी, सूचना का संग्रहण भी। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप हाई लेवल का कार्य है, ये सभी लोग नहीं कर पाएंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप जो है यानी क्वार्टरली एक्टिविटी जो है ये जनरल लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत हाई लेवल का, मैंने आपको बताया पार्ट वन वीडियो में बताया था, जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीय क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं तो काम स्पेशल हो जाता है, यानी बड़ा काम हो जाता है एक तरह से, और तृतीय में जाएंगे तो और बड़ा, चतुर्थ में आएंगे तो और बड़ा, मतलब क्या होता है कि काम जो होता है एक तरह से अच्छा लेवल का काम, जैसे कि प्राथमिक क्रियाकलाप में देखेंगे तो वह कृषि लेवल का काम है, और द्वितीय क्रियाकलाप में देखेंगे तो वह उत्पादन लेवल का काम है, मतलब कोई चीज को बनाया जाता है, कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज को बनाया जाता है, और तृतीय क्रियाकलाप को देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि सूचना हो गया,
व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारा चीज होता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का काम होता है द्वितीय क्रियाकलाप से। अगर आप चतुर्थ में आ जाएंगे तो सबसे अच्छा लेवल का होता है, ठीक है, यानी सबसे स्पेशल वर्क होता है। सूचना का संग्रहण यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा कार्य है ना, स्पेशल कार्य है, इसमें माइंड लगता है। लोग जो प्रशिक्षित रहते हैं, जो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं, वही लोग इसमें कार्य करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। प्रकीर्णन हो गया, उत्पादन हो गया, इसके क्या है प्रमुख क्रियाकलाप है, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। अब देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप जो है रिसर्च यानी अनुसंधान और डेवलपमेंट जो है उस पर केंद्रित है। अगर किसी चीज़ में, किसी के क्षेत्र में, अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर विकास हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तभी वो चतुर्थ क्रियाकलाप विकसित हो पाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप वहाँ क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे अनुसंधान और विकास से, क्योंकि अनुसंधान और विकास पर ही टिकी हुई है चतुर्थ क्रियाकलाप। अब नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ सेक्टर में क्या है, चतुर्थ सेक्टर में म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, ठीक है, सॉफ्टवेयर सेवा। अब देखिए आपका मोबाइल में प्ले स्टोर होगा या फिर आपका लैपटॉप में प्ले स्टोर होगा, ठीक है, जहाँ से आप तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वह सारे चीज़ को बनाना क्या कहलाता है, वो सारे चीज़ को जो बनाया जाता है, जो भी आदमी बनाते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं, तो वो कौन सा कार्य हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थ सेक्टर में म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग, कार्यालय भवन, प्रारंभिक विद्यालयों में सेवा, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों में सेवा तथा कर्मचारी इस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप में आपको पॉइंट याद रखना है, कार्यालय भवन यानी भवन में यानी ऑफिस में जो भी कार्य होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर फंड यानी जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन होती है, वो सारे सेवा जो आएंगे वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। प्रारंभिक विद्यालय और यूनिवर्सिटी में जो कक्षा में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं या फिर प्रारंभिक विद्यालय में जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके कार्य आपका चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएंगे। अस्पताल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, उनके कार्य कहां आ जाएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएंगे। कर्मचारी जो ऑफिस में कार्य करते हैं, वो भी कहां आ जाएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब चतुर्थ सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका पंचम क्रियाकलाप, ये सबसे बेस्ट और सबसे हाई लेवल का वर्क होता है। ये लेवल का जो वर्क होता है, देश के बड़े बड़े आदमी इसको करते हैं। जैसे कि आपको बताया जा रहा है, उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। पंचम क्रियाकलाप मैंने अभी जस्ट बोला कि ये देश के बड़े बड़े लोग होते हैं, देश के बड़े बड़े हस्ती होते हैं जो ये क्रियाकलाप करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नीति का निर्माण करने का जो निर्णय लेने का जो हक होता है, यानी क्रियाकलाप के क्षेत्र में, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या फिर क्रियाओं के क्षेत्र में नीतियों यानी पॉलिसी का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्णय जो लेता है वो कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो क्या करते हैं, बैंक के बारे में निर्णय लेते हैं, या फिर बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक हैं वो क्या करते हैं, पंचम क्रियाकलाप के बारे में निर्णय लेते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप में बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बैठे बैठे सिर्फ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाएगा, लैपटॉप वगैरह चलाएगा, तरह तरह के बात को सोचेगा, तरह तरह का टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा, ठीक है, निर्णय लेगा, नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, कौन सा काम को कैसे करेंगे जो ज्यादा उत्पादन होगा, कौन सा नीति को लागू करेंगे जो ज्यादा मेरा कंपनी आगे जाएगा। ये सारे जो क्रियाकलाप होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पंचम क्रियाकलाप आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है, मैं थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। पंचम क्रियाकलापों में वे सेवाएं आते हैं जो नवीन एवं न्यू यानी न्यू और मॉडर्न वर्तमान विचारों की रचना है। जस्ट मैंने अभी बोला कि न्यू और मॉडर्न यानी टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल करता है पंचम क्रियाकलाप में, यानी नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा कंपनी का मालिक, ताकि वो सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है। ये आपका क्या है, पंचम क्रियाकलाप है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाह्य स्रोतन यानी एक्सटर्नल सोर्स, इसके परिणाम स्वरूप चीन, भारत, पूर्वी यूरोप, फिलीपींस, इज़राइल में बड़ी संख्या में खुले इसने मतलब क्या है कि बाह्य स्रोत ने बड़ी संख्या में क्या खुले। अब देखिए इसको बताना है, बहुत सारे कार्य खुल गए, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे सेक्टर खुल गए जिनसे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, ठीक है। इन देशों में नए नए काम उत्पन्न हो गए, नए नए सेवाएं आ गए। बाह्य स्रोत उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है, ठीक है। बाह्य स्रोत के बने रहने का कारण तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। बाह्य रतन कहने का मतलब ये हुआ, चाइना, भारत, पूर्वी यूरोप हो गया, फिलीपींस, इजराइल, ये सब हो गया, तो ये सब क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनी आ रही है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी आकर के तरह तरह के सामान को उत्पादन कर रही है, क्योंकि वहां जो है वहां लोगों को सस्ता में और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। स्किल यानी जो शिक्षित प्रशिक्षित श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक उसी को बोलते हैं जिसके अंदर स्किल होती है, जो कार्य को अच्छा तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग वहां मिल जाते हैं और वो कंपनी वहां अपना से प्रोडक्शन करते हैं यानी कार्य करते हैं, ठीक है। बाह्य स्रोत बने रहने का क्या कारण है, तुलनात्मक लाभ, अंकीय विभाजन यानी डिजिटल डिवाइडेड, सूचना
तथा संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से प्राप्त होने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब यानी दुनिया पर समान रूप से वितरित है। कई देशों यानी कोई देश कितनी जल्दी अपने नागरिकों को सूचना यानी इन्फॉर्मेशन तथा नागरिक संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच और लाभ उपलब्ध करा सकता है, ये सारा चीज़ इस पर डिपेंड करता है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जबकि विकासशील देश पीछे रहे हैं, इसी को कहते हैं अंकीय विभाजन, ठीक है, यानी डिजिटल डिवाइडेड। ठीक है, तो आपका चैप्टर का आप जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप का पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट करा लिया गया, कोई भी थ्योरी आपका नहीं बचा। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, अंकीय विभाजन क्या होता है, बाह्य स्रोतन क्या होता है, पंचम क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप की क्या विशेषता है, कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, पर्यटन यानी टूरिज्म क्या होता है, तृतीय क्रियाकलाप में कहाँ कितने लोग लगे हुए रहते हैं, दूर संचार क्या है, इसको हम लोगों ने पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ा। पार्ट 1 में जो पढ़ा था वो आपको पहले ही रिपीट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कितना था, चैप्टर 7 चतुर्थ तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप यानी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का थ्योरी पूरा तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज़ जबर जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।